आचार्य प्रसाद जी की जो है वो आपने गीता समागम के बारे में बहुत सारा जो है वो सुना होगा, एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, तो इस वीडियो में मैं उसी की बात करने वाला हूँ कि क्या प्राइसिंग रहती है, क्या सेशन होता है और क्या है ओवरऑल रिव्यू, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो जो होम पेज पे फर्स्ट पे यही खुल के आता है लाइव सेशंस, और यहाँ पे जो है आपको शेड्यूल दिया गया हुआ है। तो देखो, शेड्यूल में क्या रहता है कि अगर आप जो है वो इनका जो है वो ज्वाइन करते हो, गीता सेशन ज्वाइन करते हो, तो हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ काम रहता है। जैसे यहाँ पे अभी IEM मतलब इनफॉर्मल मीटिंग रहता है, ओके, EX मतलब एग्ज़ाम होता है, मतलब गीता का एग्ज़ाम होगा, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एग्ज़ाम होता है और महीने में इतने दिन जो मैं गोल घेर रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम होता है। तो ये ऐसा कुछ जो है वो रहता है हर महीने में, फिक्स नहीं है, कभी कभी जो है वो डेट चेंज भी हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो चार तरह के जो है वो सेशंस होते हैं। तो चार तरह के सेशंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो गीता समागम हो गई, उसके बाद जो है वो आपको बोध प्रत्युषा या फिर संत सरिता और वेदांत बेसिक टू क्लासिक, भगवद गीता सत्र, ताओ ते चिंग, तो ये सभी जो है वो चार पांच तरह के आपको चीज़ें मिलेंगी, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, कठोपनिषद, उन सभी का भी जो है वो वेदांत संहिता, तो अलग अलग सेशंस होते रहते हैं। तो आपको जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा पढ़ने को, सुनने को, और एक्टिविटी मिलती है। जैसे ये जो है वो ऐप पे आपको ऐप पे कुछ एक्टिविटी भी करना रहता है, पोस्ट करना रहता है कि आप जो है वो सीख रहे हो, और कुछ काम भी आपको दिया जाता है। तो आप जो है वो यहाँ पे इनका ऐप जो है, ओके, ये जो ऐप है, तो इस ऐप को देखोगे कि गूगल प्ले स्टोर से आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर लेना, ज़रूर कर लेना, बहुत अच्छी खासी ऐप है। आप यहाँ पे देखो कि रिव्यू कितना अच्छा है, 4.9 रेटिंग रिव्यू है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही कुछ जो है वो ऐप का व्यू रहता है, और इसमें लोग अपने अपने जो है वो कमेंट्स करते हैं। और ऐप पे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के पोस्ट आते हैं, और लोग वीडियोस भी डालते हैं, अपना कुछ गा के भी डालते हैं, कुछ लिख के भी डालते हैं, तो ऐसा रहता है। और रही बात कि इसमें जो है वो आपको पैसा कितना देना रहता है, तो देखो, ये जो आचार्य प्रसाद की संस्था है वो टोटली चलती है डोनेशन पे। तो डोनेशन अगर आप जितना चाहे उतना दे सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ दे दोगे, तो आप जो है वो बेसिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। वो उसके लिए आपको जो है वो संस्था में कॉल करना होगा और उनसे बात करना होगा, जितना जो है वो आप देने में अभी सक्षम हो आप उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप जो है वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो, स्कॉलरशिप लेकर जो है वो आप संस्था में जो है वो बात कर सकते हो। मतलब कि किसी का मन अगर वो चाहे तो 10,000 भी देते हैं, किसी का मन वो चाहे तो 1,00,000 भी देते हैं, ओके, किसी का मन तो 5,000 10,000 20,000, जिसका जितना मन जैसा होता है। कई बार जिनको नहीं भी रहता है तो उन्हें फ्री में भी स्कॉलरशिप के बेसिस पे मिलता है। तो वो आपके जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आप उनके सत्रों से क्या सीख रहे हो, तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं। लेकिन आप कोशिश करना कि आप जो है वो आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप डोनेट करो, क्योंकि जो संस्था है ये आपको बहुत अच्छी चीज़ दे रही है, और उसके लिए अगर वो आपसे थोड़ा सा डोनेशन मांगते हैं तो आप प्लीज़ डोनेट कर दो। उसके लिए कोई आप मतलब वो बार्गेनिंग मत करने लगना कि नहीं मुझे इतना में कर दीजिए। तो मीन्स आप जो है वो खुल के अगर आपको कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है तो आप उन्हें डोनेट करो, और साथ ही जो है वो आप उनकी जो इनफॉर्मल सेशंस में जो है वो यूजुअली क्वेश्चंस बहुत सारे लेते हैं वो इनफॉर्मल मीटिंग में। जैसे आज यहाँ पे देखो कि आज के दिन में जो है वो ये 10:30 में रात को मीटिंग है, उसमें इनफॉर्मल मीटिंग में क्वेश्चंस यूजुअली लेते हैं आचार्य जी। तो आपके जो है वो यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे खासे आपको मिलेंगे जो जिनसे आप चैट कर सकते हो और अपनी सीख भी शेयर कर सकते हो। तो आप जो है वो एक बार ज्वाइन करके देखो, ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। तो इंग्लिश में जो है वो एक सेशन होती है वेदांत बेसिक टू क्लासिक, और हिंदी में जो है वो होती है 4 तरह की सेशंस। तो ये सब आप देख रहे हो ना, ये सब ऐप पे ही होता है, ये सब ऐसा कुछ डेली क्विज टाइप का भी कुछ रहता है, और एग्ज़ाम्स तो होती ही रहती है, ओके। तो
ये सब जो है वो आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेगा, जो पुराना सेशन है वो सब भी आप देख सकते हो, और कुछ होमवर्क मिलेगा तो वो सब भी आपको करना पड़ेगा। ओके सो और आप लोगों के सीख सत्रों को देखोगे तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, उनकी वीडियोज़ है ये सभी। तो यूट्यूब पे आप जो है वो ये सब वीडियो सुनो, ये सब रियल वीडियोज़ है, कोई फेक वीडियोज़ नहीं है। ओके क्योंकि लोगों को सीख मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तभी तो लोग बोल रहे हैं। ओके तो आप भी एक बार देखो, पढ़ो, और ये सब लोगों के कमेंट्स भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ये सभी जेन्युइन लोग हैं और इनके रेगुलर पोस्ट्स भी आते रहेंगे। आप इनसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो। ओके तो आपको भी पता चलेगा कि संस्था क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, और गीता समागम का क्या यूज़ है। तो ये देखो, जो मीटिंग होती है वो जूम पे होती है। ओके यूजुअली जूम ऐप पे होती है मीटिंग, तो उसी से जो है वो ऑनलाइन आपका सब कुछ हो जाता है, ऑनलाइन सेशन में भी, और आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन हमेशा नहीं कर पाओगे, ऑफलाइन आपको न्यू दिल्ली जाना होगा NCR में, तो वहाँ पे जो है वो ऑफलाइन चलती है, लेकिन वो आपको बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन आप जो है वो घर बैठे आप हमेशा कर सकते हो। ओके सो गीता कम्युनिटी आप देखो, जैसे यहाँ पे लोगों ने अपना अपना यहाँ डालते रहते हैं। ओके फिर लाइक्स ये सब भी है, इमोजी आप अपना शेयर कर सकते हो। ओके यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे जन्म का अर्थ क्या है, तो इसमें देह धारण करना, गर्भ से उत्पन्न होने की क्रिया, आत्मस्थ होना, आकार से जुड़ने का प्रणाम, तो इसमें से क्या ऑप्शन सही है आप चूज़ करो, उसके बाद जो है वो सही या गलत भी आएगा। यहाँ पे देखो लोगों ने कमेंट भी किए हुए हैं, यहाँ पे 40 इमोजीज भी हैं। सो ऐसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप एक बार ज्वाइन करके देखो तो सही, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको कृष्ण से प्यार है तो आप जो है वो रिग्रेट नहीं करोगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और अच्छे अच्छे लोगों की संगति मिलेगी। वो बहुत ज़रूरी है, और वो है संगति। अगर संगति आपकी सही हो गई तो फिर आपको जो है वो जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, और अगर आपकी संगति बुरी हो गई तो फिर आप जो भी है वो भी खो जाएगा। तो इसलिए जो है वो संगति आपको अच्छी मिलेगी। तो आप एक बार ज्वाइन करो, ऐप डाउनलोड करो, आचार्य प्रशांत ऐप, ये जो गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके देखो कैसा है, और अच्छा लगे तो आप एक बार ज़रूर अप्लाई करना। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको जो है वो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ओके देखो ज्वाइन का ऑप्शन पे ये ऐसा पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना नेम फिल कर देना है। ओके यहाँ पे अपना आपका जो भी नेम हो, यहाँ पे अपना ईमेल, यहाँ पे फ़ोन नंबर, अपना एज, अपना जेंडर, कब से आप आचार्य जी को सुन रहे हो, आपका प्रोफेशन, आपकी कंट्री, अपना स्टेट, और आई हैव रीड द कंडीशन, आई एम नॉट अ रोबोट, इसमें टिक कर देना। फिर आपको जो है वो संस्था से कॉल आएगी, फिर आप जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके सो ये बेसिक सा स्टेप है, आप इसको फॉलो करोगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप जो है वो एक बार करो, फिर आप जो है वो आप इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि आप मैंने जो बातें आपको बताई इस वीडियो में वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स होती है तो आप कमेंट भी करना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हो।